उत्तराखंड के चमोली के ग्लेशियर हादसे के जुड़ी सब तो वड्डी खबर। तपोवन पावर प्रोजेक्ट के 150 तो वध मारे जाने का खदशा है। इस वेले उत्तराखंड के चमोली के ग्लेशियर हादसा भी तिगड़ी होया, उसको लेके वड्डी खबर। तपोवन पावर प्रोजेक्ट के 150 तो वध लोगों के मारे जाने का खदशा है। हाले भी 100 तो वध लोगों के लापता होने की खबर है। आईटीबीपी मुताबिक हूं तक 10 लाशां बरामद हुई ने, 16 लोगों को बचाया भी गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दस दें कि तपोवन पावर प्रोजेक्ट नेड़े बनी झील के पानी का पद्धर भी बढ़िया है। प्रशासन वालों टिहरी बंद तो पानी छड़न के निर्देश भी दिए गए हैं। 10 लोगों की मौत हूं तक की पुष्टि हुई है, 16 बचाया भी गया है, लेकिन हले भी 100 तो वध लोग लापता ने। तपोवन पावर प्रोजेक्ट नेड़े बनी इस झील के विच पानी जो है वह बढ़ गया है। प्रशासन वालों टिहरी बंद तो पानी छड़न के निर्देश दिए गए हैं। कल सवेरे हुए रेणी पिंड विच होया सी ग्लेशियर हादसा, जिस विच वड्डा जान माल का नुकसान होया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मृतकों के परिवारों ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। उधर प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों लिए 2-2 लाख से जख्मियों लिए 50-50 हज़ार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। जिस तरह बीते दिनी यह हादसा वापरिया उत्तराखंड के चमोली के ग्लेशियर फटन के नाल हादसा वापरिया, जिस विच वड्डे पद्धर से जान माल का नुकसान हुआ दसा जा रहा है। और हुण जानकारी मिल रही है कि 150 तो वध लोगों के मारे जाने का खदशा है। हाले भी 100 तो वध लोगों के लापता होने की खबर है। दस दें कि आईटीबीपी मुताबिक हूं तक 10 लाशां बरामद हुई ने, 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 16 लोगों सुरक्षित बाहर भी बचाया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन भावे हाले तक जारी ने, लेकिन कई लोग जिन्हों की गिनती 150 तो उपर है वो हाले भी लापता दसे जा रहे हैं, जिस मौतों का यह आंकड़ा वधन का खदशा लगातार बनया हुआ। सो बीते दिन रेणी पिंड के दर्दनाक जो ग्लेशियर हादसा होया, जिस विच वड्डे पद्धर से यह नुकसान जड़ा जान माल का होया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी ने, लेकिन खदशा है कि मरण वाले का आंकड़ा बढ़ सकता है, जिस नाल कई लोग 100 तो उपर उन्हां दी गिनती है जो हाले भी लापता ने, जिन्हां दे बारे कुछ भी नहीं पता चल सकया। वड्डे पद्धर से नुकसान जड़ा है आस पास होया, खासकर रेणी पिंड जो कि सब तो ज़्यादा प्रभावित होया है। सो जिहे विचकार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सो उत्तराखंड के चमोली के बीते दिन यह हादसा वापरिया, ग्लेशियर फटन के नाल जो अचानक जिस तरह पानी का पद्धर वध्या और ग्लेशियर फटन नाल जो हादसा होया, उस विच क्योंकि कई लोग उस जगह पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे सन जिस वेले हादसा वापरिया।